और रुखसती पड़ेंगे। आप दोनों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं भी पुरानी दिल्ली से हूँ और मेरे साथ जो माथुर आज मौजूद हैं वो भी कुछ शूट करना होता है, तो मैं अशोक भाई को कॉल करती हूँ। मैं कहती हूँ अशोक भाई आपके घर में शूट करना है, और अशोक भाई बिल्कुल मोहब्बत के साथ बुलाती हैं। तो इतने हम बैठे हुए थे, ये सेशन का जन्म कहाँ से हुआ मैं इसलिए ये बात बताना चाहती हूँ। और अशोक भाई बड़ी मजे की माथुर के घराने की बता रहे थे, शादियों की बता रहे थे। अब आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आजकल डीजे लगता है और फैमिली के लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं बॉलीवुड गानों पर, लेकिन माथुर के घर में आज भी मेहंदियाँ गाई जाती हैं, सेहरे गाए जाते हैं। आप सबको याद होगा और ज़रूर ज़रूर मतलब आपको याद हो गया, बहुत सारे बुजुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं जब हमारे घरों में घर की औरतें ही शादियों के गाने गाती थी और जब डीजे नहीं थे, तो जब डीजे नहीं थे और हम खुद घर की महफिलें जमाते थे, और उन महफिलों में जो खास बात होती थी वो ये थी कि ये जो माथुर की जो ये एक तरह से मैं समझती हूँ ये एक जो विरासत ये लेके चल रहे हैं भाई, ये मेहंदियाँ ये सेहरे इन्होंने खुद लिखे हैं, कोई राइटर नहीं हायर किया गया। लेकिन जब आप ये सुनेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी उम्दा शायरी इन लोगों ने की है अपनी हर शादी में। और ये जो मेहंदी और सेहरे ये पढ़ने वाले हैं ये बहुत साल पुराने हैं और जो आज तक पढ़े जा रहे हैं। तो पहली जो संगीता दीदी गाएंगे मेहंदी, तो उसमें बुआ और बहनों का बड़ा अहम रोल हुआ करता था माथुर की शादियों में, मेरे ख्याल से हम सबकी घरों में की शादियों में होता है। तो वहाँ पर बुआ और बहनें जो है मेहंदी लगाने का हक उनका होता था, उन्हें नेक मिलता था। तो इस मेहंदी के जरिए मैं चाहूँगी कि संगीता दीदी आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं, और फिर जैसा फौसिया ने कहा कि ये मेहंदियाँ हमारे घर की बुजुर्ग औरतों ने ही लिखी हैं, और जो अभी मैं पेशकश आपके सामने रखने वाली हूँ वो मेहंदी मेरी ताई जी ने आज से 60 साल पहले लिखी थी। और ये मेहंदी ऐसी है जो कि हमारे यहाँ हर मेहंदी में गाई जाती है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसे सुनें और इंजॉय। है उमंगों और नाजों से भरी मेहंदी तेरी, है उमंगों और नाजों से भरी मेहंदी तेरी, मेहंदी तेरी है उमंग को और
सुरेश भाई, आज भी अगर आप में से कोई अपनी मेहंदी, सेहरा और रुखसती लिखवाना चाहते हैं तो आप बेझिझक सुरेश भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और असल में यहाँ पे ये करने का मकसद ये भी था कि हम स्पेशली हम ग्रेटर नोएडा में अपना मकान है। दूसरी चीज ये कि जो म्यूजिक की या मौसीकी की हमारे पास बारीकियाँ आई वो मेरे ख्याल है मुझे खुदा दाद थी कुछ, और कुछ अपने मनसाल और कुछ दादा के यहाँ से ही मिली। शायरी दादा के यहाँ से और म्यूजिकलिटी नाना के यहाँ से। नाना के लोग रोशनपुरे नई सड़क के लोग थे और खासे अच्छे। मैं बार बार एक चीज आपको याद दिलाती रहूंगी कि सुरेश भाई खुद मतलब ये कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं है। जब हम लेते हैं, हम आजकल हायर करते हैं किसी को, तो सुरेश भाई ने ये खुद चीजें लिखी हैं। और अब जो वो मेहंदी पढ़ने जा रहे हैं वो सुरेश भाई की अपनी लिखी है। आप सबने सुना होगा, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो मुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी एक दिल में है। मैं ज़्यादातर मेहंदियाँ जो है गानों पर ही लिख दिखा देता हूँ। तो इस सुनाने से पहले एक छोटा सा शेर जो मेरे लिए है, शायद किसी ने लिखा होगा कभी कि अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, उसमें आप भी शायद शामिल हैं। अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में और मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। और ये इत्तेफाक को देखो कि जब बहार आई, बड़ा मजेदार मेरे पे लिखा किसी ने कि ये इत्तेफाक को देखो कि जब बहार आई हमारे जोश जुनून का यही जमाना था। इसलिए अगर सारे जहां की नेमतें तुझ पर निसार हूं, तुझ पर निसार हूं, पहलू में आज तेरे दिन पर नजर, पहलू में आज तेरे दिन पर नजर, सारे पहलू में आज तेरे दुल्हन पर लाल जार। शहनाई दरे दुल्हन पे देती है ये सदा, चल बड़ा है जो सदा बाराती का फिरा, शहनाई करे दुल्हन पे देती है ये सदा, चल बड़ा है जो सदा बाराती का फिरा, करना है तुम्हें एक रात में सफर, बाबुल काम न छोड़ के जाना पिया के घर, वक्त आने वाला है दुआ खुशनुमा, और खुशनुमा सारे जहां की नेमतें तुझ पर निसार हूं, पहलू में आज तेरे दुल्हन पर लाल जार, पहलू में आज तेरे दुल्हन पर लाल जार।
शुक्रिया। बड़ी धूम मची है घर घर में, बड़ी धूम मची है घर घर में, खुशियों से भरी खुशबू में परी है ये मेहंदी। बड़ी धूम मची है घर घर में, बड़ी धूम मची घर घर में, खुशियों से भरी खुशबू में भरी है ये मेहंदी। बड़ी धूम मची है घर घर में, बड़ी धूम मची है घर घर में। मेहंदी अपनी बहन के लिए कुछ लिखा था, आप के सामने अर्ज कर रहा हूँ। फातिमा हज़रत, हम बात कर रहे हैं मेहंदी की, सेहरा की, रुखसती की, खासतौर से दिल्ली के माथुर्स की। जब नौशा की मेहंदी लगती थी तो नौशा जब मेहंदी की एक चौकी होती थी वहाँ पर जब उनको बैठाया जाता था तो उनको एक गोशाला उड़ाया जाता था जो कि जरदोजी का होता था, कोई आदमी उनकी दादी का नानी का बहुत पुराना कोई गोशाला जो हमेशा, और ये ज़रूरी था नौशा को पहनना। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है और वहाँ पे उस वक्त क्या गाया जा रहा है, ये मैं संगीता दीदी से दरख्वास्त करूँगा और सुरेश जी दोनों साथ में पेश करेंगे।
ये असल में गाना ऐसा था कि ये डुएट था मुकेश और लता का गाया हुआ, तो मैंने कहा कि मैं खामखा अपनी आवाज़ हर जगह देने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ, क्यों ना एक फीमेल वॉइस को भी लिया जाए कभी कभी। तो वो ख्याल रखते हुए मैंने डुएट लिखा था और ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ।